So in this video, we are starting with new chapter, that is definite integration. Now, हमने normal integration देखा है, जैसे integration of f(x) dx is let's say gx plus c. Definite integration में क्या होता है कि यहाँ पे limits आ जाते हैं a to b. जैसे ही यहाँ पे लिमिट्स आ गए, आपको यहाँ पे भी लिमिट्स लगा अप्लाई करने हैं ए टू बी. तो ये होता है इंटीग्रेंड और ये होता है इंटीग्रल, ये उसका आंसर है. तो इस आंसर में जाके आपको पहले अपर लिमिट प्लेस करना होगा माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट प्लेस करना होगा. सो दिस इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. ना इसका काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या मिलता है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है ये आंसर होते हैं आगे चल के. एक्चुअली अगर एक फंक्शन पूरी तरह से पॉजिटिव है एफ एक्स और उसको एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू ए के बी के बीच में अगर आप इंटीग्रेट करते हो और ऐसे लिमिट्स लगा के ये आंसर निकालते हो, तो आपको एक्चुअली ये एरिया अंडर द कर्व मिलता है. नहीं तो ये निकालना कितना डिफ़िकल्ट है कि इस कर्व के अंदर का एरिया कितना है गिवन दिस फंक्शन, क्योंकि रेक्टेंगल का, ट्रेपीजियम का, स्क्वायर का एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, रेडीमेड फॉर्मूला है. बट ऐसे कर्व्स के लिए जिनका बस इक्वेशन दिया हो, उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन काम आता है, आपको एरिया अंडर द कर्व निकाल के देता है. ठीक है, नाउ लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में जो फंक्शन है वो ऐसा है. तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सपोज करो कि ये वाला जो रीजन है इसका टू है, देन सपोज करो कि इसका एरिया थ्री है, दिस इज फोर से दिस इज फाइव एंड लेट्स से दिस इज वन. कि अगर आप बस इस कर्व के अंडर की एरिया निकालते हो, इसके नीचे की एरिया निकालते हो मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये उनके वैल्यूज़ हैं. तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाओगे ए टू बी एफ एक्स टी एक्स, तो आपको एक्चुअली ये क्या निकाल के देता है वो मैं आपको बता देता हूँ. वो आपको निकाल के देता है एक्स, ये वाला जो एरिया है एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो टू. ये वाला एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस थ्री. ये वाला एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस फोर, एंड ये नीचे है तो माइनस फाइव, ऊपर है तो प्लस वन. तो अगर आप ऐसे कर्व का इक्वेशन लगा के डेफिनेट इंटीग्रल निकालोगे, तो आपको आंसर मिलने वाला है माइनस वन प्लस फोर माइनस फोर, दैट इज़ माइनस वन आपको आंसर मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हो तो. क्यों? क्योंकि फंक्शन कभी ऊपर भी जा रहा है, कभी नीचे भी है. मैंने क्या बोला था, यहाँ पे फंक्शन पूरा पॉजिटिव है तो एरिया अंडर द कर्व मिलता है, बट यहाँ पे फंक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव. ये आंसर वो आपको निकाल के देगा. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का कर्व देखो, ज़ीरो दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ टू पाई. देखो यहाँ पे कुछ तो बाउंडेड एरिया है, ये भी कुछ तो बाउंडेड एरिया है, तो इंटीग्रेशन अगर आप लगाओ ज़ीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स, मान लो ज़ीरो टू पाई की एरिया निकालते हैं, तो ये कितनी आएगी, माइनस कॉस एक्स ज़ीरो टू पाई, दिस इज़ माइनस साइन कॉस पाई माइनस कॉस ज़ीरो, दिस इज़ माइनस माइनस वन माइनस वन, दिस इज टू. तो ये जो एक लोब होता है एरिया टू है, तो इसकी एरिया भी टू होनी चाहिए. अब अगर आप ज़ीरो टू टू पाए इंटीग्रेट करके देखो साइन एक्स को, तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, फोर चाहिए, क्योंकि हमने क्या सीखा कि एरिया अंडर द कर्व मिलता है, बट नहीं वो फोर नहीं, आपको ज़ीरो मिलेगा. क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, ऊपर की एरिया को प्लस नीचे की एरिया को माइनस करके कैलकुलेट करता है. सो करके देखते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स लिमिट्स ज़ीरो टू टू पाई माइनस साइन दिस इज टू पाई माइनस कॉस ज़ीरो माइनस ऑफ वन माइनस वन विच इज़ ज़ीरो. देखो डेफिनेट इंटीग्रल आपको एरिया नहीं निकाल के देता, वो एरिया तभी निकाल के देता है जब कर्व पूरी तरह से ऊपर हो. अगर कर्व पूरी तरह से नीचे है एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी, पूरी तरह से नीचे है तब भी वो एरिया निकाल के देगा, बट तब वो एरिया को माइनस साइन से मल्टीप्लाई नेगेटिव दे देगा आंसर.
और अगर एरिया फ्लक्चुएटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, टोटल अलजेब्राइक सम देगा आपको. सो डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स अस अलजेब्राइक सम. ये फॉर्मूला आपको एरियाज का अलजेब्राइक सम देगा. एरिया नहीं निकाल के देगा, अलजेब्राइक सम देगा. अलजेब्राइक सम मतलब एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव. बट अगर आप ऐसा कर देते हो, फंक्शन को पूरी तरह से मॉड से मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब फंक्शन नेगेटिव है तो उसको ऊपर शिफ्ट करा देते हो. मॉड फंक्शन क्या करता है देखो, अगर मान लो इसी का जो एग्जांपल अगर हम लोग लें तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा है, फिर ऐसा ग्राफ है, फिर ऐसा. सो इसका मैग्नीट्यूड 2 था. बट अगर आप इसका मॉड लगा देते हो, ये तो एफ एक्स है, मॉड एफ एक्स कैसा होगा, ऐसे, फिर ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, फिर ऐसा है, फिर ये ऊपर, फिर ऐसे. तो दिस इज़ नाउ 2, ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ. दिस इज़ नाउ 3, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 1. तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट ए टू बी के बीच में करोगे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगी, कि इस कर्व के अंडर की एरिया आपको मिल जाएगी अगर आप मॉड लगा के कैलकुलेट करते हो. अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको इनके अंडर की एरिया नहीं मिलने वाली, अलजेब्राइक सम मिलेगा. नाउ इस केस में यू विल बी गेटिंग एरिया बाउंडेड. तो ये वाला फॉर्मूला एरिया बाउंडेड देता है, ये याद रखो, और ये वाला फॉर्मूला अलजेब्राइक सम देता है. ओके और जो भी क्रिटिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x2. बट यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 -1 बाय, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1 + x2 dx ये आ जाएगा. दिस इज कॉट इनवर्स x -1 to 1, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स -1, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 -3π/4. इनवर्स डिग्रीशन में जाके देखो, कॉट इनवर्स की जो रेंज है 0 to π आती है, तो कॉट इनवर्स -1 इज -3π/4, बीच में माइनस साइन तो है ही. सो दिस इज -2π/4 विच इज -π/2, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट लेट अस इसका मैं आइडिया आपको दे देता हूँ. सॉल्विंग पार्ट है, जो इजी पार्ट है वो आप कर देना. इंटीग्रल 0 to 3, यहाँ पे 3 है अपर लिमिट, मॉड ऑफ x -1 into x -2 dx दिस इज इक्वल टू. नाउ x -1 x -2 का अगर आप प्लॉट देखो तो ये जो फैक्टर है ये 2 के आगे पॉजिटिव होगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, 1 के नीचे फिर से पॉजिटिव. सो दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 प्लस इंटीग्रल 1 to 2 प्लस इंटीग्रल 2 to 3. इस इंटरवल में भी ये पॉजिटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा. सो इट विल बी -x -1 x -2, सो विच इज इक्वल टू. अब आप इंडिविजुअली सबको कैलकुलेट करो, x²-3x+2, 0 to 1 ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, फिर माइनस साइन x²-3x+2 इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड फाइनली जाके x²-3x+2 2 to 3. नेक्स्ट एग्जांपल 6, इंटीग्रल 0 to π/2 1/a²cos²x b²sin²x dx इज इक्वल टू. शो दैट, इसका हमको इंटीग्रल निकालना है. तो हम लोग अगेन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे तो यहाँ पे 6 square x dx आ जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स 0 to π/2 विच इज इक्वल टू इफ़ यू पुट टैन एक्स इज टी 6 square x dx बिकम्स डी टी 1 by a square प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ टैन एक्स को हमने टी पुट किया है, एक्स का लोअर लिमिट इधर जीरो पुट करेंगे, दिस विल बी जीरो। एक्स का अपर लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, टेन पाई बाई टू इज़ इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल दिस इज 1 by b टैन इनवर्स बी टी बाई ए 0 to ∞ विच इज़ 1 by b। पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे, टैन इनवर्स इन्फिनिटी इज़ पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स जीरो इज़ जीरो लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 2 a b। हाँ, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 by 1 प्लस कौन सा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहाँ पे लग रहा है 1 by a² x² प्लस बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 by b टैन इनवर्स ए एक्स बाय बी डिवाइडेड बाय ए, ऐसे आता है। तो वही हमको लगाना है, तो उसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डिवीजन में ए बी आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस एग्जांपल 9, इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 by x + √x² + 1 power n dx। नाउ यहाँ पे हम लोग x + √x² + 1 को पुट करेंगे टी, 1 + 1/2 √x² + 1 (2x dx) ये बनेगा डी टी। लिमिट्स लगा देते हैं, जब x का लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे तो t का जो लिमिट है वो बनेगा 1, जब अपर लिमिट इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो इन्फिनिटी 1 by t raised to n into। ना यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, x + √x² + 1 by √x² + 1 dx = dt। तो दिस इज t by √x² + 1 dx = dt। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करें, इसका x को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो √x² + 1 = t - x। इफ़ यू स्क्वायर इट यू विल गेट x² + 1 = t² - 2tx + x² x² विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 2tx = t² - 1 एंड x = t² - 1/2t। फाइन, तो x की वैल्यू हम लोग ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर हमारे पास dx पूरा dt के टर्म्स में आ जाएगा, t और dt के टर्म्स में। सो यहाँ से dx कितना आएगा, √x² + 1 / t dt। हियर x कैन बी रिटन एज 1/2 t - 1/t। और फिर यहाँ से डायरेक्ट dx निकाल सकते हैं, dx क्या आएगा, हाफ 1 + 1/t² dt। बस यही तो चाहिए था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसको हमने t पुट किया t raised to n dx की भी हमने वैल्यू निकाल दी, सो इट इज़ हाफ 1 + 1/t² दैट इज इंटीग्रल 1 to ∞ 1/2 into यहाँ पे आएगा t² + 1 t raised to n + 2 dt विच इज टू इंटीग्रल 1 to ∞ t² + 1 / 2 t raised to n + 2 dt सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाफ बाहर निकाल लेते हैं, 1 to ∞ t raised to -n dt प्लस हाफ इंटीग्रल 1 to ∞ t raised to -n - 2 dt सो दैट इज़ हाफ इंटू t raised to -n + 1 / -n + 1 + ½ t²-n - 1। इंटीग्रेशन 1 to ∞, अपर लिमिट इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो पूरा जीरो होगा, फिर लोअर लिमिट आपको प्लेस करके देखना पड़ेगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर आने वाली है यहाँ पे, इसलिए ये जो है सिर्फ यहाँ पे लोअर लिमिट ही सर्वाइव करेगा। तो यहाँ से आगे आप कैलकुलेट कर लेना इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
सॉल्व एग्जांपल 10. सो वी आर गिवन एन इंटीग्रल 0 टू e माइनस 1 e रेज टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल 1 टू e x log x e रेज टू x स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 dx. अब दोनों का लिमिट्स देखो सेम नहीं है, तो लिमिट्स को सेम करेंगे हम लोग. यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू e माइनस 1 है. तो x को रिप्लेस करो t माइनस 1, उससे क्या होगा, यहाँ पे t माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, अपर लिमिट सेम आ जाएगा. अगर x का वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो इसमें, तो t का वैल्यू 1, लोअर लिमिट 1 आ जाएगा, अपर लिमिट t आ जाएगा. एंड नाउ दिस इज e रेज टू, नाउ इफ यू स्क्वायर इट, x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 एक्स प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एंड dx. अभी सिर्फ पहला इंटीग्रल लिखेंगे, सेकंड बाद में लिखेंगे. सो टू e रेज टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 1 प्लस 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे. डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे डिवीजन में 2 भी है, ये देखो. डिवाइडेड बाय टी डी टी. सो दिस इज इंटीग्रल 1 टू e रेज टू टी स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 डी टी बाय टी प्लस इंटीग्रल 1 टू e एक्स लॉग एक्स e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 डी एक्स. तो इन दोनों को हम लोग अब कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि लिमिट सेम है. डी टी मान लो इंटीग्रल का जो वेरिएबल है वो रख देते हैं, दोनों में ही ई रेज टी स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 ये कॉमन निकल रहा है. यहाँ पे 1 बाय टी प्लस एक्स इंटू सॉरी टी इंटू लॉग टी, या तो इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो या तो इसको टी में, ऐसा इंटीग्रल आ जाएगा. नाउ सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ई रेज टू जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है. यहाँ पे देखो लॉग टी इंटू प्लस टी, लॉग टी का डेरिवेटिव है. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ई रेज टू जी एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश. ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इंटीग्रल का. इसका आंसर क्या आता है, ई रेज टू जी इंटू एफ. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ई रेज टू जी इंटू एफ, एफ फंक्शन इज लॉग टी और लिमिट्स लगा दो 1 टू ई. यहाँ से ये कैलकुलेट किया जा सकता है. अच्छा नेक्स्ट इज एग्जांपल 11. नाउ उसमें एक गड़बड़ है, उन्होंने प्रिंटिंग एरर की है. एफ एक्स दिया है 2 टू एक्स 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस टी रेज टू 4 डी एक्स. जी फंक्शन इज इनवर्स, ये एफ का इनवर्स है. तो हमको निकालना है जी डैश ऑफ 0. अब ना एक रूल है वो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं, न्यूटन लाइबनिस थ्योरम. तो वो क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है, एक फंक्शन है एच एक्स टी एक्स, उसका इंटीग्रल हो रहा है. अब यहाँ पे भी एक फंक्शन है जी एक्स, यहाँ पे भी एक फंक्शन है एफ एक्स, और इसका आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव. तो डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट से एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये इंटीग्रल चला जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, h ऑफ x है ना, आपको अपर लिमिट यहाँ पे प्लेस करना है h ऑफ एफ एक्स, और इनटू आएगा f डैश ऑफ x, फिर आएगा माइनस h ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ x. ये हम आगे डिराइव भी करने वाले हैं, बट अभी हम लोग ये अप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं. तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी की जगह पे अपर लिमिट प्लेस करना है एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू 4 इंटू 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4. नाउ बिकॉज ये दोनों इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा. तो इसका डेरिवेटिव जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स दिस इज
वन बाय एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज वन बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू फोर, सो दिस इज रूट ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू फोर जी डैश ऑफ एफ एक्स। जी डैश ऑफ जीरो निकाल लें, जी डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वॉट, तो एफ एक्स जीरो होना चाहिए बराबर। तो ये एफ एक्स जीरो कब आएगा, जब अपर लिमिट टू रख दोगे, टू 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 इंटीग्रल क्या होगा जीरो, क्योंकि अगर आप कोई भी लिमिट लगते रखते हो तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगी, ये फाइनाइट आ जाएगा, इसको जीरो करना है तो एक्स को टू रखना होगा। तो यहाँ पे जी डैश ऑफ जीरो निकालने के लिए एक्स को टू रखना पड़ेगा, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स का हमारे पास वैल्यू है, जैसे ही एक्स को टू रखते हो ये जीरो बनेगा एंड अपने को आंसर मिलेगा वन प्लस टू रेज टू फोर, दैट इज़ रूट ऑफ 17। उन्होंने बुक में यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे एरर की है, जी डैश ऑफ एफ एक्स है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व एग्जांपल 12। ए एन इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, 1 माइनस साइन टी रेज टू एन इंटू साइन ऑफ 2t dt, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी को t पुट करेंगे, सो t रेज टू एन 1 माइनस साइन टी को, मान लो एक वेरिएबल t पुट कर दिया, ये u पुट कर सब, चलो u पुट करते हैं, सो दिस इज u रेज टू एन, तो साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी, वैसे इधर डेरिवेटिव माइनस कॉस टी dt du बनेगा, यहाँ पे cos t का टर्म है, cos t dt क्या बनेगा माइनस du, तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे du, सब मैनेज हो गया, यहाँ पे बस एक साइन टी बचा, साइन टी क्या होगा 1 माइनस यू, सो दिस इज माइनस टू इंटीग्रल u रेज टू n माइनस u रेज टू n प्लस 1 du। अभी लिमिट्स लगाते हैं, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0। हम लोग आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ में सीखने वाले हैं, अगर आपको ये बाहर का माइनस साइन हटाना है, प्लस कर देना है, तो ये लिमिट्स को चेंज कर दो 0 टू 1 एंड दिस इज यू एन यू रेज टू एन माइनस यू रेज टू एन प्लस 1 डी, सो दिस इज 2 टाइम्स यू रेज टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस यू रेज टू एन प्लस 2 बाय एन प्लस 2 0 टू 1, दिस इज 2 टाइम्स 1 बाय एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 2, दिस इज ए एन, डिवाइड बाय एन कर दो, डिवाइड बाय एन एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस हाफ 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कर दिया इसका, और अब समेशन लगाते हैं, समेशन ए एन बाय एन, एन ग्रोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 है तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 को भी अंदर शिफ्ट कर देते हैं, 2 टाइम्स समेशन 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस 2, 2 विल कैंसिल आउट, विल गेट समेशन 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 2। अब ऐसे टाइप के समेशंस हमने बहुत बार किए हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन का वैल्यू 1 पुट करो, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस 1 बाय एन प्लस 1, सो 1 बाय हाफ, 1 बाय 3 एंड सो ऑन, तो हाफ 1 बाय 3 और आगे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ पहला टर्म सर्वाइव करेगा क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे भी ये सारे टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा माइनस साइन, इसका भी पहला टर्म सर्वाइव करेगा, नहीं इसमें क्या है ये अगर आप समेशन अलग से देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, टू इन्फिनिटी 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 एंड सो ऑन, माइनस साइन 1 बाय 3, 1 बाय 4 एंड सो ऑन, सो 1 बाय 3, 1 बाय 4 ऑनवर्ड सब कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 3 बाय 2, सो इसका आंसर है 3 बाय 2, सो द आंसर इज 2, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन 3 बाय 2, सो इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस इज हाफ, हाफ इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 टू एक्स टी एल एन टी डी टी, इंटीग्रेशन पाय पार्ट्स एल एन यू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स 1 टू एक्स, सो इधर अपर और लोअर लिमिट लगा दो, एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर बाय टू 1 टू एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय टू एल एन एक्स
-1/4 x² - 1, ये आंसर है इसका। नाउ सी, देयर इज वन थिंग, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है π/2, एंड देयर इज वन मोर थिंग, tan इनवर्स x इज सेम एज cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज π/2। नाउ कंसिडर दिस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, एंड मैं सारे टर्म्स नहीं लिखता इसके, बस इसका जो क्रक्स है वो आपको बता देता हूँ, उन्होंने किया क्या है, tan इनवर्स 1/x dx। तो इसी इंटीग्रल को अगर आप x को 1/t लिख देते हो, 1/t, तो जब x का लोअर लिमिट 0 है, t का अपर लोअर लिमिट इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि t क्या है, 1/x, when x is 0 t is इन्फिनिटी, when x is इन्फिनिटी t is 0, तो यहाँ पे आएगा 1/t² प्लस a/t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t⁴। दिस इज tan इनवर्स t, और इसका डेरिवेटिव -1/t² dt। दिस इज इंटीग्रल, अब माइनस साइन को हटाना है, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, दिस इज t² प्लस at प्लस 1 t⁴ प्लस 1 tan इनवर्स t dt, ये आ जाएगा। इफ़ यू ऐड दीज टू, इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये वाला पार्ट सेम है, लिमिट सेम है, tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1, क्योंकि एक वेरिएबल आप चेंज कर दोगे, इसको t में कन्वर्ट कर लिख दो, या इसको x के टर्म्स में लिख दो, सब अंदर के टर्म्स सेम है, ये t और x क्या होते हैं, डमी वेरिएबल है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स t, ये क्या होगा, π/2, जो पहले एक्सप्लेन किया, तो अब 2i बनेगा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x² प्लस ax प्लस 1 बाय 1 प्लस x⁴ इंटू π/dt, एंड अब ये इंटीग्रेबल है। ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स हमने किए हैं, इंटीग्रेशन आए क्या आएगा, π/4, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x² प्लस 1 बाय x⁴ प्लस 1 प्लस यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ax बाय 1 प्लस x⁴ dx। इसमें हम क्या करते हैं, x² कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x² कॉमन निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो वो वाला इंटीग्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे x² को t पुट करो, 2x dx dt बनेगा, एंड ऐसे ये सॉल्व होता है। लास्ट वन इज इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू a⁴ माइनस ऑफ gif ऑफ log ऑफ x⁻a dx। तो हम लोग इसको t पुट करेंगे, log ऑफ x⁻a, इसको t, x का लोअर लिमिट 0 पुट करो, x का लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे 1 दिया हुआ है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट a दिया हुआ है, लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, अपर लिमिट a पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, x क्या होगा, a⁻t, x होगा a⁻t, एंड दिस इज a⁻-gif(t). अभी dx देखो, x क्या होगा a⁻t, तो dx क्या बनेगा, a⁻t इंटू log a dt, सो दिस इज a⁻t log a dt। अब देखो यहाँ पे आप नेचुरली देख सकते हो, t का जो लिमिट है 0 to 1 है, तो 0 to 1 के बीच में इसका gif क्या आएगा, 0 आ जाएगा, सो दिस इंटीग्रल 0 to 1 a⁻t log a dt, सो दिस इज इक्वल टू log a इंटीग्रल a⁻2t dt 0 to 1, विच इज इक्वल टू log a⁻x का इंटीग्रल a⁻x अपॉन log a आता है, तो a⁻2t अपॉन log a इंटू नहीं डिवीजन बाय टी का कोएफिशिएंट 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट 0 to 1, सो दिस इज a⁻2 - 1/2, ये इसका आंसर है। और दिस इज e - 1/2, ये दिया हुआ है माइनस, ये 2 कैंसिल आउट, -1 - 1 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू √t, ये आंसर है इसका। नाउ ट्राई सेशन एक्सरसाइज 1।